अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने बेसिकली रूट्स को पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि जो एक्स के आंसर्स आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी डिग्री टू है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है, थैंक यू, अब हमारे पास ये है कि इसके रूट्स क्या होंगे, जो एक्स के आंसर हैं वो रूट्स होंगे। रूट्स मीन एक्स वैल्यूज। ठीक है, तो ये देखना है कि ये अब एक्स की वैल्यूज क्या हैं, वो किस तरीके से उसकी हम प्रिडिक्शंस करते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेट, दूसरी चीज़ है, हमें डिस्क्रिमिनेट का पता हो, डिस्क्रिमिनेट किसकी इक्वल है, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। ये कहाँ यूज होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। यहाँ पर ये जो येलो कलर जिसको मैंने सर्कल किया है, दिस इज डिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ से अगर अगर डिस्क्रिमिनेट की कुछ वैल्यूज के बारे में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये आंसर हो तो ये एक्स के रूट्स ये होंगे, यहाँ से एक्स के रूट्स आ रहे हैं ना, एक्स के आंसर्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हम बता देते हैं कि एक्स की वैल्यूज रैशनल होंगी, इरेशनल होंगी, इक्वल होंगी, अनइक्वल होंगी। तो रैशनल और इरेशनल कहाँ से पता चलता है, अगर डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वेयर हो। अगर परफेक्ट स्क्वेयर है तो रैशनल पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। अगर जो है वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट जो है नॉट परफेक्ट स्क्वेयर हो तो वो इरेशनल हो जाएंगे। इक्वल और अनइक्वल कहाँ से पता चलता है, यहाँ से पता चलता है, प्लस माइनस से। अगर डिस्क्रिमिनेट जो है वो हमारे पास जीरो आ जाए तो ना प्लस जीरो माइनस जीरो का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रूट्स इक्वल होंगे। अदरवाइज दोनों केसेस में, चाहे रैशनल है चाहे इरेशनल है, अनइक्वल होंगे, क्योंकि प्लस माइनस होगी, वैल्यू चेंज आएगी। तो हम नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स में सबसे पहला जो पॉइंट है, इफ डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन जीरो एंड परफेक्ट स्क्वेयर, देन रूट्स विल बी हाँ जी, ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वेयर है। पहली बात है, कंडीशन होगी ग्रेटर देन जीरो है तो रियल होंगे, परफेक्ट स्क्वेयर है तो रैशनल होंगे, लेकिन प्लस माइनस की वजह से अनइक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट, डिस्क्रिमिनेट इज ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट परफेक्ट स्क्वेयर। नॉट परफेक्ट स्क्वेयर मीन टू से डिस्क्रिमिनेट, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 23 है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वेयर है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ले लेता था 25, परफेक्ट स्क्वेयर था, तो नॉट परफेक्ट स्क्वेयर देन
रूट्स विल बी रूट्स विल बी बोले क्या आएंगे ग्रेटर देन जीरो है तो रियल, नॉट परफेक्ट स्क्वेयर है तो इरेशनल, और अनइक्वल तो आएंगे ही आएंगे। इक्वल एक ही केस में है अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड अब ये जीरो परफेक्ट स्क्वेयर ही होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो एंड को मैं खत्म कर देता हूं, देन रूट्स विल बी रियल रैशनल एंड इक्वल। रैशनल क्यों लिखा है मैंने, मिनल आप बताएंगे रैशनल क्यों लिखा है मैंने? मुतसविर आप बताएं। जी सर, मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो रूट्स रैशनल आएंगे, कैसे आएंगे? सर वो कैंसल आउट हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो प्लस माइनस नहीं हो सकता। अच्छा आप कह रहे हैं क्या चीज कैंसिल आउट हो जाएगी? ये देखे ना, ये तो जीरो हो गया, बी वाला पार्ट हट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा, तो पी ओवर क्यू फॉर्म आ जाएगा, बी ओवर माइनस टू ए आ जाएगा, तो बी ओवर टू ए पी ओवर क्यू फॉर्म है जिसकी वजह से वो रैशनल है। लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो तो वो आयोटा आ जाएगा, स्क्वेयर रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वो उसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं दे सकते, फिर आयोटा लगाना पड़ता है, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। बस इमेजिनरी लिख दें, इट्स एनफ, ठीक है, क्योंकि हम उसको मैयर नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर्स को एग्जैक्टली उसका आंसर क्या है, तो अनइक्वल की बात नहीं कर सकते हम, ठीक है। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, अनइक्वल भी होते हैं क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ये बातें हो गई हैं, हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में पता चल गया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा। तो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं ले लेता हूं फोर्थ पार्ट, 4x² - 7x - 2, 4x² तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। चलो आप लोगों को कल मैंने लिंक सेंड किया था वेबसाइट का, अब उसके ऊपर लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं, मतलब चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर्स हुए थे, 1.3 के एक लेक्चर मिसिंग था वो भी मैंने अपलोड कर दिया, और 1.1 का एक लेक्चर मिसिंग था वो भी अपलोड कर दिया। 1.2 का लेक्चर मुझे मिल नहीं रहा सिस्टम में, पता नहीं कहाँ पर वो, लेकिन वो इजी है, जस्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने, तो जहाँ आपको प्रॉब्लम हो वो जरूर रिवाइज करें, और एक टेस्ट दें चैप्टर 1 का मुझे, ठीक है। तो हमारे पास है 4x² - 7x - 2 = 0, ओके, ठीक है। तो हमने यहाँ से फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट,
डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। हम यहाँ पर सिंस करेंगे ए की वैल्यू क्या है फोर, बी वैल्यू माइनस सेवन एंड सी वैल्यू इज माइनस टू। सो डिस्क्रिमिनेट विल बिकम बी की जगह आ जाएगा माइनस सेवन स्क्वेयर फोर, ए की वैल्यू फोर और सी की वैल्यू माइनस टू। इट्स अ 49 माइनस माइनस प्लस, फोर फोर आर 16, 16 टूज आर 32, वन वन कैरी, सेवन और एट 81। सो 81 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर, लेकिन यहां पर हमने नहीं बताना, ना ही उसने डिमांड किया, उसने कहा फाइंड द परफेक्ट डिस्क्रिमिनेट ओनली। अच्छा मुबशरा आप बताएं, अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है और ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स क्या होंगे? यस सर, ये आप देख रहे हैं डिस्क्रिमिनेट 81 आया है जी, तो बेटा इसमें डिस्क्रिमिनेट पॉजिटिव भी है ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स क्या होंगे? इरेशनल नहीं, ग्रेटर देन जीरो हो गया तो रियल और परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो रैशनल। रैशनल वो होते हैं जिसमें पी ओवर क्यू फॉर्म में आ जाए जी। देखिए टू रैशनल नंबर है क्योंकि हम टू को लिख सकते हैं टू बाय वन, यस। जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो ओवर वन लिख सकते हैं, लेकिन स्क्वेयर रूट ऑफ टू रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल है, ठीक है? ओके। क्योंकि इसका आप लिखेंगे ना तो 1.41 समथिंग चलता जाएगा पॉइंट के बाद, ये इरेशनल है। तो 81 तो 9 का स्क्वेयर है, ये रैशनल आएगा एंड अनइक्वल, तीन बातें आएंगी। मैंने इसलिए लेक्चर के स्टार्ट में ये चीजें लिखी थी, यहां पर आपके रूट्स आएंगे रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। आपने क्वेश्चन नंबर वन के हर पार्ट के नीचे लिखते रूट्स विल बी लाइक दिस, ताकि आपको याद हो जाए ये जो फोर पॉइंट्स मैंने स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लिखा है ये याद हो जाए। ओके अब हम क्वेश्चन नंबर टू पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हर क्वेश्चन में आपने जस्ट डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। सॉरी, ये हमारे पास बुक है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग इक्वेशन। पहले तो हमने नेचर ऑफ द रूट्स बताने हैं फिर उनको वेरीफाई करना है। लेट्स सपोज हम फोर्थ पार्ट करते हैं, 3x² प्लस 7x माइनस 13। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर टू पार्ट फोर, 3x² माइनस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू जीरो, प्लस 7x। हमने नेचर ऑफ द रूट्स भी फाइंड करने हैं और उनको वेरीफाई भी करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल I will apply discriminant formula. Discriminant किसकी इक्वल होता है? B square minus 4AC. यहाँ पर हम since करते हैं, since the value of A is 3, B value is 7,
and C value is minus 30. Now, discriminant will becomes 7 square minus 4. A की वैल्यू क्या है 3 और C की वैल्यू है minus 30. अंडरस्टैंड? तो यहाँ से 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 4 थ्री जो 12 12 इंटू 39 और 13 तो हमारे पास 6 4 और नहीं 3 टू जो 6 तो ये तो नहीं था ना. अच्छा 12 एज इट इज तो 156 156 प्लस 49 और 5 1 और यहाँ पर क्या हो गया 0 और यहाँ पर 205. अब 205 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है ग्रेटर देन जीरो हम यहाँ पर लिख देंगे इट्स अ ग्रेटर देन जीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा रूट्स विल बी कौन बताएगा रियल ग्रेटर देन जीरो की वजह से नॉट परफेक्ट स्क्वायर की वजह से आएंगे इरेशनल यस एंड अनइक्वल. वेल डन ये तीन बातें आ गई अनइक्वल प्लस माइनस की वजह से आएगा. अब हम इनको वेरीफाई करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसकी वैल्यू है 205 फाइंड कर ली है अबव 2 इंटू ए की वैल्यू है 3 हम देख लेते हैं ए की वैल्यू है 3 बी की वैल्यू है 7 वो वैल्यूज यहाँ पर पुट की हुई है. अब क्या आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 205 और 2 थ्री जार 6. अब यहाँ से ये हेंस द रूट्स आर रियल रैशनल इरेशनल एंड अनइक्वल बस नीचे ये लिख दे. ठीक है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा 205 का. ठीक है तो वो कैलकुलेटर जो बताया वो लिख दीजिएगा 14 पॉइंट समथिंग आएगा. ओके स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 आपके कंप्लीट हो गए कर लेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट. यस सर. सब में हमने डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको वेरीफाई करके बता देना. क्वेश्चन नंबर 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा अगर हमें के की वैल्यू क्या होगी कि परफेक्ट स्क्वायर हो तो चले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या आपसे पूछना चाह रहा है. हमारे पास एक क्वेश्चन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 3 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस फोर. वो कहते हैं कि ये व्हाट विल बी द के
value where this expression is a perfect square. अगर ये perfect square है, ये जो expression है ये perfect square बन जाए तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें perfect square के लिए दो बातें हैं, या तो discriminant की value आ जाए हमारे पास, वो तो आ नहीं सकती क्योंकि k हमने find करना है, तो हम discriminant को zero show कर देते हैं. Given, हम लिखेंगे given expression is perfect square, so discriminant is equals to zero. ठीक है, discriminant is zero. Zero भी perfect square होता है, zero का square root लेंगे zero ही आएगा, तो ये perfect square आ गया. तो discriminant होता है b square minus 4ac is equals to zero. अब यहाँ पर values लिखें, a value क्या है k square, b value क्या है 2 into k plus 1, और c की value है 4. ये put कर दें यहाँ पर formula में, तो 2 into k plus 1 square minus 4, a की value है k square और c की value है 4 equals to 0. अच्छा, मैं इसको पूरिया बेटा आप बताएं, मैं इसको एक्सप्रेशन क्यों कह रहा हूं? इक्वेशन क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि सर उसके साथ इज इक्वल्स टू जीरो चल रहा है वो. हाँ, जीरो नहीं चल रहा. अगर जीरो यहां पर होता तो ये इक्वेशन होती, तो इसलिए मैं जीरो नहीं था इसलिए मैंने इसे क्या कहा, एक्सप्रेशन. चलें, टू का स्क्वायर है 4, k प्लस 1 हो स्क्वायर तो k स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2ab तो 2k आ जाएगा. 4 4s आर 16, 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. फोर को मल्टीप्लाई कर दें, 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. यहां से ये लाइक टर्म्स हैं, सबट्रैक्ट हो जाएंगी तो माइनस 12k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8k, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ, 4 इज इक्वल टू 0. मैं यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. जब माइनस कॉमन लेंगे साइन विल बी चेंज, तो ये माइनस 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और 0 ओवर माइनस 4 0 आ जाएगा. फर्दर हमारे पास इक्वेशन की मिड टर्म ब्रेकिंग होनी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2k, नहीं प्लस k, प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0. मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग की है माइनस 2k की, 3k माइनस 3k प्लस k, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आना चाहिए और ऐड करें तो मिड टर्म आनी चाहिए. यहाँ से कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट टू से, 3k कॉमन लें तो k माइनस 1, यहाँ से कॉमन लें 1 कॉमन ले लें तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 3k प्लस 1 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 1 इज इक्वल टू 0. k इज इक्वल टू 1 और 3k इज इक्वल टू माइनस 1 और k इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3. ये दो आंसर आए हैं k के. उसने यही कहा था हमसे क्वेश्चन में
के फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर के लिए गिवन एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया था, डिस्क्रिमिनेंट जीरो किया था, ठीक है, था वो एक्सप्रेशन नॉट इक्वल्स टू जीरो, लेकिन उसने कहा परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स जी सर, ओके बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग मुझे कब टेस्ट देंगे बेटा?